गाइस व्हाट्सअप कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, सब लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चल रही होगी तो जरूर बता देना, कोई समस्या हो तो भी कमेंट में बता देना। समस्याओं को लेकर घूमना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं उसको निकालो। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर गुस्सा हो तो उस गुस्से को निकालो, बाहर निकालोगे तभी कुछ बात बनेगी। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं व्यवस्थित हो चुका हूँ। लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि भाई रूम नहीं मिल रहा है पटना में, तो कोई है तो प्लीज मदद करो। उस वीडियो पे इतना रिस्पॉन्स आया, मुझे नहीं पता था कि पटना बिहार में इतने सारे लोग मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं, और मैं जहाँ रहता हूँ उसी जगह पे इतने सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। भाई इतने सारे बच्चे, इतनी सारी लड़कियाँ, इतने सारे लड़के, सबने मिलकर कमेंट किया कि आप हमारे पास आ जाओ, अब हमारे पास आ जाओ, अब हमारे घर आ जाओ, अब हमारे घर आ जाओ, यार मेरे रूम पे आ जाओ, दोनों मिलके पढ़ाई करेंगे। बड़ा मज़ा आ गया यार ऐसा कमेंट देख के। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी रिप्लाई किसी को नहीं दिया है, शायद एक दो लोगों को रिप्लाई दे दिया है। मैं सबको कॉल करूंगा जिसका भी मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला है, सबको फ़ोन कर करके मैं थैंक यू बोलूंगा दिल से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से थैंक यू बोलूंगा मैं सबको, बहुत अच्छा लगा। उसी दिन मुझे रूम मिल गया। मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे एक ताजमहल टाइप का कुछ चाहिए था, मुझे चाहिए था कि शांति हो और पढ़ने लायक जगह हो थोड़ी सी, चाहे वो दो चार कदम ही क्यों ना हो, और उसी टाइप का कुछ ये रूम भी है। चलो इसको छोड़ो, बाकी सब बच्चों के जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त लोगों ने कमेंट किया है, सबके कमेंट का जवाब मैं दे दूंगा। और अब कमेंट मैं करता हूँ कि आपको डेली एक नहीं दो वीडियो मिलेंगी, और बेहतरीन वीडियो मिलेंगी जो कि आपकी सफलता में चार नहीं चार चौक 16 चांद लगाएंगे। यानी कि आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत नॉलेज वाली चीज़ पता चलेगी, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, अगर आप कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, तो आप उस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज तो सैटरडे है, कल भी मैं अपडेट करूँगा आपको, लाइव वगैरह भी अब डेली होगा, लेकिन मंडे से आपको बिल्कुल रेगुलर बहुत अच्छे से वीडियोस मिलेंगी, दो दो वीडियोस मिलेंगी, हो सकता है मॉर्निंग में मिल जाए एक और एक इवनिंग में मिले, यानी कि रात में। अभी कुछ बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, नहीं तो फिर कमेंट में आप लोग कहोगे खाली फोकट फेंक के चला गया, कोई काम की बात नहीं बताई। काम की बात यह है कि आप लोग एग्ज़ाम का महीना पूछ रहे हो, तो एग्ज़ाम का महीना शायद देखो अगस्त में तो मुश्किल है, लेकिन कहाँ नहीं जा सकता, अगस्त और सितंबर ये 2 महीने अब निकल के आ रहे हैं कि इन 2 महीने में कुछ होगा। तो जहाँ तक है अगस्त सितंबर, मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में होगा, उस तरीके से तैयारी करो। और ज़्यादा टाइम किस चीज़ में देना है वो सुन लो, ज़्यादा टाइम, अब ये भी एक प्रश्न है, बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है, वो साइंस पे ही बेस्ड हैं, साइंस ही पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा बेरा पार लग जाएगा। ग्रुप डी वाले टेक्नीशियन लोको पायलट के लिए अलग चीज़ है, दोनों का एग्ज़ाम एक जैसा नहीं है, क्योंकि एक में 75 नंबर के ही प्रश्न आए, मतलब 75 ही क्वेश्चन आएंगे जो कि है ELP टेक्नीशियन, और उनके कई और भी एग्ज़ाम होंगे, लेकिन ग्रुप डी का केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। तो दोनों में अंतर है, सिलेबस दोनों का सेम दिया गया था, ठीक है, सिलेबस दोनों का सेम दिया गया था, लेकिन आप ये सोचिए कि क्या ग्रुप डी वाले से और क्या ELP टेक्नीशियन वाले से क्या वो सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं? नहीं, दोनों के एग्ज़ाम में डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा कि ELP टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो पहले होता था कि इतिहास भर भर के पूछ लिया जाता था, वो तो अब नहीं होगा। अब पढ़ना तो है, इतिहास भी पढ़ लीजिए आप, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रेलवे कब क्या दे दे, कोई पता नहीं है, लेकिन इतिहास मॉडरेट रहेगा, उस लेवल का इतिहास नहीं पूछेगा। और टेक्नीशियन ELP वालों को एक चीज़ और बता दूं कि अब जो करंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं वो करंट अफेयर बेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो आपको करंट अफेयर अच्छा अपना कवर करना है। सेकंड में आपको साइंस, न्यूमेरिकल वाली साइंस जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पूरी एकदम रट लेनी है, बायो से बहुत कम प्रश्न होंगे आपके टेक्नीशियन और ELP वालों के लिए। मैथ वही करना है जो टेक्नीशियन ELP और जो ग्रुप डी, मैथ तो सबका सेम है, कोई इसमें लेवल नहीं है मैथ का, मैथ तो आपको पूरे चैप्टर सीखने ही सीखने हैं,
यानी दो चीज़, यानी कि करंट अफेयर और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेनी है, ख़त्म कर लेनी है एग्ज़ाम से पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी वालों के लिए। देखो भाई, ग्रुप डी वालों, आप ऐसा मत सोचो कि साइंस पढ़ पढ़ के ही आपका हो जाएगा बेड़ा पार। नहीं, स्पीडी की सामान्य अध्ययन भी पढ़ लो, लूसेंट भी पढ़नी है आपको, धीरे धीरे लूसेंट भी खत्म करनी है। बाई चांस मान लो, मैं नहीं कहता कि आ ही जाएगा, बाई चांस अगर आ गया तो फंस जाओगे। और एग्जाम में अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन फंस गए, दो चार क्वेश्चन आ गए, तो आप क्या करोगे? और बहुत आसान प्रश्न आ गए तो क्या करोगे? इसलिए इतिहास भी पढ़ो ग्रुप डी वालों, और टेक्नीशियन एएलपी वालों को भी मैं बोलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए आपको भी, अगर टाइम है तो थोड़ा थोड़ा रट लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतिहास में ही लग जाओ, वैदिक सभ्यता पढ़ने लग जाओ, नहीं, थोड़ा थोड़ा उसमें भी ध्यान दे दिया करो, कोई पता नहीं है, पूछ भी सकता है। लेकिन एएलपी टेक्नीशियन वालों का टेक्निकल काम है, उनसे कंफर्म बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें पूछेगा, उनसे टेक्निकल ही ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि उनका दो एग्ज़ाम है। तो ग्रुप डी वाले इतिहास भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, करंट अफेयर भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, रीजनिंग भी पढ़ो, लेकिन टेक्नीशियन एएलपी वाले इतिहास पे फोकस मत करो, इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ो, साइंस और करंट अफेयर पे फोकस करो। और ग्रुप डी वाले इतिहास पे भी फोकस करो, करंट अफेयर पे भी फोकस करो, और साइंस पे भी फोकस करो। ठीक है, समझ में आई बात क्या मैं बोल रहा हूँ? और एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, 6 से 8 घंटे निकाल लो, जीवन बहुत लंबा चलेगा मेरे भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भाई सरकारी नौकरी भगवान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करोगे, 5 उंगलियों के बीच में है आपके, इन्हीं 5 उंगलियों से आपको लिखना है, इन्हीं 5 उंगलियों में से आपको पेज पलटने हैं, इन्हीं 5 उंगलियों से आप टिकट लोगे, कौन सी टिकट, जहाँ एग्जाम होगा वहाँ जाने के लिए, इन्हीं 5 उंगलियों से आप अपना पेपर लोगे, इन्हीं 5 उंगलियों से आप अपने माउस को पकड़ोगे, क्लिक करोगे, इन्हीं 5 उंगलियों में आपका सिलेक्शन है। अब इसको कहाँ लगाना है आप सोच लो, खाली फोकट यूट्यूब, खाली फोकट गेम, खाली फोकट टेंशन, या किताबों के पेज पलटने में, पेन से रीजनिंग लगाने में, पेन से गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने में, हाईलाइटर से स्पीडी का जो करंट अफेयर है उस पर हाईलाइट करने में। अब देख लो ये आपके ऊपर है करना क्या है। तो चलो, आज की वीडियो बस इतनी थी कि भाई मैं सेटल्ड हो चुका हूँ, मुझे रूम वगैरह मिल गया है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब मैं, जो एक कमेंट आया था कि आपके पास जो जो चीज़ें आप दिखा दो, किताबें जो जो हैं उसका फ्रंट पेज दिखा दो, तो कुछ स्पेशल नहीं है मेरे भाई, मैं हो सकता है कि कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको अपना पूरा जो मटेरियल है मैं अपना खोल के रखे रहूँगा, और सब आपको दिखा दूंगा कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, और आगे मेरा क्या पढ़ने का प्लान है वो भी मैं बता दूँ। देखो, अभी मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा हूँ, स्पीडी करंट अफेयर, स्पीडी जीके, स्पीडी विज्ञान, ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग यूट्यूब से कर रहा हूँ, और मैथ जो है मैं RS अग्रवाल के हर चैप्टर के 20-20, 30-30, 50-50 क्वेश्चन लगा रहा हूँ। यही मेरा शेड्यूल है, और इसी शेड्यूल को आपको भी अपनाना है। कोई स्पेशल शेड्यूल नहीं है कि ग्रुप डी कोई IAS PCS UPSC नहीं है, ये आप लोग बना रहे हो, बहुत आसान एग्ज़ाम आएगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम को एकदम UPSC की तैयारी जितनी बढ़ा दिया गया था कि भाई ये पूछेगा, वो पूछेगा, ऐसे पूछेगा, इतना पूछेगा, इतना GK पूछेगा, इतना डीपली पूछेगा, लेकिन एग्ज़ाम इतना आसान आया है ना कि अगर किसी ने 30 दिन भी जम के मेहनत करी होगी ना तो उसका सिलेक्शन कन्फर्म है। 30 दिन उत्तर प्रदेश GK, 30 दिन हिंदी, मतलब टोटल मिला के 30 दिन अगर उसने अच्छे से पढ़ लिया होता तो उसमें सिलेक्शन पक्का है। हालांकि चीटिंग हुई है उसमें, लेकिन अब वो तो अदालत ही जाने, हम क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा बोरिंग है वीडियो, मुझे पता है, कुछ टॉपिक नहीं था, बस कैमरा खोल के मुझे बताना था, क्योंकि आपके सामने आना था, क्योंकि मुझे मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में और आपके कमेंट पढ़ने में, और अब से सबके कमेंट का रिप्लाई होता रहेगा। ये वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद जितने भी कमेंट आएंगे मैं फटाफट फटाफट सबका रिप्लाई दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, कबाड़ दो, फाड़ दो, चीर दो, नौकरी लेनी है, लेनी है, लेनी है। दीवार पे एक पोस्टर चिपका दो, जो टेक्नीशियन और जो लोको पायलट बनना चाहते हैं वो ट्रेन का एक फोटो चिपका दो, लिख दो मुझे ड्राइवर बनना है। अगर जो टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो एक वो वायरलेस टाइप का कुछ बना के और लिख दे कि मुझे सिग्नल मैन बनना है, मुझे टेक्नीशियन बनना है। जिनको ग्रुप डी की नौकरी चाहिए वो झंडा वगैरह जो दिखाते हैं, या फिर
एक स्लोगन है, मुझे पटरी ठोकना है तो ठोकना है, ऐसा कुछ लिख लो दीवार पे और रोज सुबह शाम उठ के उसको देखो, मोटिवेशन मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जाना है तो स्टेशन पे जाओ, वहाँ आधा एक घंटा बिताओ, फिर देखो पढ़ने में कितना मजा आएगा। कौन सा स्टेशन? रेलवे स्टेशन जाओ, रेलगाड़ियों को देखो, लोको पायलट को देखो, टेक्नीशियन लोगों को देखो, ग्रुप डी पे जो पटरियाँ वगैरह ठोक रहे हैं उनको देखो, फिर समझ में आएगा कि नौकरी की अहमियत क्या है और नौकरी कैसे मिलेगी और मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।